हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपके लिए अपडेट है सीआईएसएफ की तरफ से, तो बने रहिए स्टूडियो में मेरे साथ। दोस्तों, सीआईएसएफ की तरफ से एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की कुल 540 वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है और इन सभी 540 वैकेंसियों की सारी डिटेल आज में स्टूडियो में देखेंगे। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले बात करें इन सभी 540 वैकेंसियों पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही यानी कि 26/9/2022 से शुरू हो चुके हैं और जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे वो 25/10/2022 तक इन सभी 540 वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें पोस्ट वाइज कैंडिडेट की आफ्टर सिलेक्शन पे स्केल के बारे में, तो एएसआई स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उन सबका जो पे स्केल रखा गया है वो 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए के बीच में रखा गया है। यानी एएसआई स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन सबकी जो बेसिक पे है वो 29,200 रुपए है और बाकी के सारे अलाउंस मिलाकर जो उनको एक्चुअल सैलरी दी जाएगी वो लगभग 45,000 रुपए महीना दी जाएगी। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे आफ्टर सिलेक्शन जो उनका पे स्केल रखा गया है वो 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच में रखा गया है। यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उन सबकी जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपए है और बाकी के सारे अलाउंसेज मिलाकर जो उनको सैलरी दी जाएगी वो लगभग 40,000 रुपए महीना दी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए कुल 122 वैकेंसियां निकाली गई हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए 418 वैकेंसियां निकाली गई हैं और इन सभी 540 वैकेंसियों को दोनों ही पोस्ट पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कुल कितनी वैकेंसियां रिजर्व रखी गई हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दोनों ही पोस्ट पे जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने 12वीं या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है वो पास कर रखा हो, तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो हैं वो इन सभी 540 वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को चेक करने के लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि 25/10/2022 रखी गई है। इन सभी 540 वैकेंसियों पे बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ जो मिनिमम एज लिमिट रहेगी वो 18 साल रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 25 साल रखी गई है और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट को चेक करने के लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 25/10/2022 रहेगी। उसके अलावा इस नोटिफिकेशन में अपर एज लिमिट में अलग अलग कैटेगरीज के कैंडिडेट को जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिसमें कि एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जिन्होंने अपनी 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस जो है वो पूरी कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 45 साल रखी गई है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो है वो 40 साल रखी गई है और यहाँ उन कैंडिडेट को भी जो है वो छूट दी जाएगी जो कि चिल्ड्रन या फैमिली मेंबर हैं विक्टिम किल्ड इन 1984 रॉयट्स एंड कॉमनल रॉयट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को भी जो है उनका सर्विस पीरियड हटाने के बाद 3 साल तक की छूट दी जाएगी और सीआईएसएफ पर्सोनल जो यहाँ अप्लाई करेंगे अगेंस्ट एलडीसीई कैटेगरी में उनके लिए जो अपर एज लिमिट रहेगी वो 35 साल रहेगी। अब बात करें यहाँ पे पोस्ट वाइज कैंडिडेट के फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है फॉर मेल कैंडिडेट वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है, फॉर फीमेल जो हाइट रखी गई है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। उसमें यहाँ पे कुछ कैटेगरियां हैं जिनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और जो रिलैक्स कैटेगरीज हैं उनमें जो मेल कैंडिडेट की हाइट रहेगी वो 162.5 सेंटीमीटर रहेगी और फीमेल कैंडिडेट में जो रिलैक्स कैटेगरियां हैं उनकी जो हाइट रखी गई है वो 150 सेंटीमीटर रखी गई है और जो भी कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उनके लिए जो हाइट रखी गई है फॉर मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उनकी जो हाइट रखी गई है वो 150 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट के क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट रखी गई है फॉर मेल कैंडिडेट वो 77-82 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पे मांगा गया है, मिनिमम जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। एसटी कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसके लिए जो मिनिमम चेस्ट रखी गई है फॉर मेल कैंडिडेट वो 76 सेंटीमीटर रखी गई है और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी 81 सेंटीमीटर तक उनकी एक्सपेंशन जो है वो मांगी गई है। फीमेल कैंडिडेट का यहाँ भी कोई क्राइटेरिया चेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया। और अदर असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें पोस्ट वाइज, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे कैंडिडेट का जो है वो स्किल टेस्ट लिया जाएगा
जिसमें कैंडिडेट को जो है वो डिक्टेशन दी जाएगी। 10 मिनट का टाइम इसके लिए रखा गया है। डिक्टेशन की जो स्पीड मांगी गई है वो 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। ट्रांसक्रिप्शन जो टाइम दिया गया है इंग्लिश के लिए वो 50 मिनट रखा गया है, और हिंदी ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो टाइम रखा गया है वो 65 मिनट का रखा गया है। और आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होगी ये कंप्यूटर पे होगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट पे अगर अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें कैंडिडेट की जो है वो इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है जो कि 35 वर्ड पर मिनट रखी गई है, या फिर हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। आपका जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट पे स्किल टेस्ट रखा गया है, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पे लिया जाएगा। अब बात करें इन सभी 540 वैकेंसियों पे आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। उसमें SC, ST, फीमेल और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ फीस पेमेंट से एग्जम्प्ट रखा गया है। अब बात करें यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले कैंडिडेट का जो है वो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा उसमें कैंडिडेट का जो है वो हाइट, चेस्ट और वेट का क्राइटेरिया रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड का जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद कैंडिडेट की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कराई जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो चेक किए जाएंगे उसकी डिटेल उन्होंने यहाँ पे बता रखी है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो कैंडिडेट के ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट का जो है वो रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम जो आपका होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये टेस्ट जो होगा ये कुल 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन इसमें कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। कुल 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस पेपर में कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट जो यहाँ पे रखे गए हैं उसमें जनरल इंटेलिजेंस के कुल 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। GK के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। और जनरल इंग्लिश या हिंदी के कुल 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का ये सेक्शन रखा गया है। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा यहाँ पे वो 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुली इस पेपर को क्लियर करेंगे उन सबको जो है वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आफ्टर स्किल टेस्ट कैंडिडेट का जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही इन सभी वैकेंसियों पे कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।